अब हम जानते हैं लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के बारे में। 20वीं सदी में राजनीतिक विचारकों ने यह प्रश्न उठाना शुरू किया कि क्या जनसाधारण प्रतिदिन के जीवन में राजनीति में कोई भूमिका निभा सकता है? क्या सामान्य नागरिक जो अपने जीविकापार्जन में लगा रहता है वह राजनीतिक भूमिका के निर्वहन के लिए समय और शक्ति का उपयोग कर सकता है? क्या जनसमूह बिना किसी प्रतिबंध के चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं का खुला प्रदर्शन करता है तो उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी? ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर में ही लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत और बाद में लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत विकसित हुआ। अभिजन या एलीट पद का प्रयोग किसी समूह के ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए होता है जो कुछ कारकों की वजह से समुदाय में विशिष्ट हैसियत रखता है। यह अल्पसंख्यक वर्ग समाज में सत्ता के वितरण में अग्रणी भूमिका में होता है। राजनीतिक श्रेष्ठ वर्ग प्रेस्टीज के अनुसार सामुदायिक मामलों में अपने संख्या बल के अनुपात में कहीं ज्यादा सत्ता का उपयोग करता है। प्रजातंत्र के संबंध में अभिजन सिद्धांत का अभ्युदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में विल्फ्रेड पेरेटो, ग्रेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिसेल्स और अमेरिकी लेखक जेम्स बर्नहम एवं सी राइट मिल्स प्रमुख हैं। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह मान्यता है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, पहले गुने चुने विशिष्ट लोग और दूसरा विशाल जनसमूह। विशिष्ट लोग हमेशा शिखर तक पहुंचते हैं क्योंकि वे समस्त अहर्ताओं से संपन्न सर्वोत्तम लोग होते हैं। अभिजन वर्ग विशेष रूप से राजनीतिक अभिजन वर्ग सारे राजनीतिक कृत्यों का निष्पादन करता है। सत्ता पर एकाधिकार भी इसी अभिजन वर्ग का होता है तथा सत्ता से जुड़े समस्त लाभों का उपयोग भी यही अभिजन वर्ग करता है। बहुसंख्यक समूह अभिजन वर्ग द्वारा मनमाने ढंग से नियंत्रित और निर्देशित होता है। संगठित अल्पसंख्यक ही हमेशा असंगठित जनसमूह को शासित और निर्देशित करता है। रॉबर्ट मिसेल्स ने अल्पतंत्र के लोह कानून जैसी उक्ति का प्रयोग करते हुए कहा है कि सामान्य वर्गों को अभिजन वर्ग की अधीनता स्वीकार करनी ही चाहिए क्योंकि जनसंख्या का एक विशाल भाग उदासीन, कर्मण्य और स्वशासन में अक्षम होता है। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे यह सिद्धांत मानता है कि सभी लोग समान रूप से योग्य नहीं होते, अतः अभिजन और गैर अभिजन का निर्माण अपरिहार्य है। दूसरी विशेषता है कि अपनी उच्चतर योग्यताओं के बल पर अभिजन वर्ग सत्ता नियंत्रक एवं प्रभु विष्णु बन जाता है। इसी प्रकार अभिजन वर्ग अनवरत एक जैसा नहीं रहता, इस वर्ग में नए लोग शामिल होते हैं और पुराने लोग बाहर हो जाते हैं। इसी प्रकार बहुसंख्यक जनसमुदाय जो गैर अभिजन वर्ग का निर्माणक है में अधिकांशतः भावशून्य, आलसी और उदासीन लोग होते हैं, इसलिए एक ऐसा अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग होना आवश्यक है जो नेतृत्व प्रदान करे। लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि आज के युग में शासक अभिजन वर्ग में मुख्य रूप से बुद्धिजीवी, औद्योगिक प्रबंधक और नौकरशाह होते हैं। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का स्वव्यवस्थित प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ सुम्पीटर ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में किया। बाद में सार्टोरी, रॉबर्ट डहल, डेक्सटाइन, रेमंड एरॉन, कार्लन मैन हेमंड, सिडनी बरवा आदि ने अपनी रचनाओं में इस अभिजन वर्ग का या अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थन किया। लोकतंत्र की यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या का विशाल भाग अक्षम और तटस्थ होता है तथा वह योग्यता और क्षमता के आधार पर कुछ लोगों का चुनाव करता है जो राजनीतिक दल का नियंत्रण और संचालन करते हैं। बहुसंख्यक लोग जीविकोपार्जन में व्यस्त रहते हैं, उन्हें राजनीतिक मामलों में न तो अभिरुचि होती है और न ही समझ, इसलिए वे अभिजन वर्ग में से कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं। अभिजन सिद्धांत के अनुसार आज
आज के जटिल समाज में कार्य क्षमता के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है और विशेषज्ञों की संख्या हमेशा कम ही होती है। अतः राजनीतिक नेतृत्व ऐसे चुनिंदा सक्षम लोगों के हाथ में होना आवश्यक है। यह सिद्धांत लोगों की अति सहभागिता को भी खतरनाक मानता है, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति का हिटलर जैसा कोई ताकतवर नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जनसमूह को लामबंद कर लोकतंत्र को ही समाप्त कर सकता है, जिसका सीधा अर्थ होगा मौलिक स्वतंत्रताओं का अंत। इसलिए अभिजनवादियों का दावा है कि लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्यों को बचाए रखने के लिए जनसमूह को राजनीति से अलग रखना जरूरी होता है। अभिजन सिद्धांत के अनुसार आम जनता के द्वारा वास्तविक शासन हो ही नहीं सकता। शासन हमेशा जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा कभी नहीं, क्योंकि जनता जिन्हें प्रतिनिधि चुनती है वे अभिजन वर्ग के ही होते हैं। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है अभिजन वर्ग के बीच प्रतिद्वंद्विता और जनता द्वारा यह निर्णय कि कौन सा अभिजन उसके ऊपर शासन करेगा। इस प्रकार लोकतंत्र मात्र एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा छोटे समूहों में से एक जनता के न्यूनतम अतिरिक्त समर्थन से शासन करता है। अभिजनवादी सिद्धांत का यह भी मान्यता है कि अभिजन वर्गों, राजनीतिक दलों, नेताओं, बड़े व्यापारी घरानों के कार्यपालकों, स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं और यहां तक कि श्रमिक संगठनों के बीच भी मतैक्य आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र की आधारभूत कार्यप्रणाली को गैर जिम्मेदार नेताओं से बचाया जा सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाह्य तौर पर तो अभिजन वर्ग सिद्धांत लोकतंत्र के विचार को अधिक व्यवहारवादी और भाविक बनाने का दावा करता है, लेकिन अंततः यह लोकतंत्र को एक ऐसे रूढ़िवादी राजनीतिक सिद्धांत में बदल देता है जो उदारवादी अथवा नव उदारवादी यथास्थितिवाद से संतुष्ट हो जाता है और इसके स्थायित्व को बनाए रखना चाहता है। अभिजनवाद की कई विचारकों ने आलोचना भी की है, जिनमें सीबी मैकफर्सन, ग्रीम डंकन, बैरी होल्डन, रॉबर्ट डहल आदि प्रमुख हैं। इन विचारकों की लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं, जैसे अभिजनवाद लोकतंत्र का अर्थ ही विकृत कर देता है और इसकी आधारभूत विशेषताओं की उपेक्षा कर इसे स्वेच्छाचारी बना देता है। यदि जनता का काम प्रतिनिधियों को चुनना भर ही है तो शासन संचालन में उनके पास बोलने कहने को अधिकार नहीं रह जाता और ऐसी स्थिति में प्रणाली अलोकतांत्रिक बन जाती है। यह सिद्धांत लोकतंत्र की परंपरागत पुरातन अवधारणा के नैतिक उद्देश्य को समाप्त कर देता है। पुरातन अवधारणा के अनुसार लोकतंत्र का लक्ष्य मानव जाति का उन्नयन है, लेकिन अभिजन सिद्धांत इस नैतिक पक्ष की अवहेलना कर देता है और पूरी स्थिति अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग के शासन की निष्क्रिय स्वीकृति हो जाती है। अभिजन सिद्धांत सहभागिता को, जो कि लोकतांत्रिक शासन का केंद्रीय तत्व है, महत्वहीन कर देता है और दावा करता है कि सहभागिता संभव ही नहीं है। इस प्रकार जनता का शासन अभिजनवादी सिद्धांत असंभव बना देता है। अभिजन सिद्धांत एक सामान्य व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टि से अक्षम और निष्क्रिय रूप में चित्रित करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन निर्वाह करता है तथा मीडिया के साधनों के द्वारा सरकार के नीति निर्णयों पर नियंत्रण रखता है, तो वह किस प्रकार से अपने बारे में सही निर्णयों को नहीं समझ पाएगा, यह समझ से परे है। अभिजन सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा मौलिक परिवर्तन लाने के बदले प्रणाली के स्थायित्व बनाए रखने पर ही विशेष बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को कायम रखना है। वह सामाजिक आंदोलन को लोकतंत्र के लिए खतरा और अभिजन वर्ग द्वारा व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया का विघटनकारी मानता है।